तो इस ट्रेंड के ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है फेस प्ले। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जिस एप्लीकेशन को मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये वाला एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सेकेंड जो एप्लीकेशन है उसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये दोनों एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेने हैं। सबसे पहले आपको जो फेस प्ले का एप्लीकेशन है इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। स्टार्ट में आप फर्स्ट टाइम जब इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ परमिशंस वगैरह मांग सकता है, तो उसे आपको अलाउ करना है। यहाँ पर एड्स आ सकती है तो इनको आपको कट करना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एनीमे का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर पेड भी ऑप्शन है और फ्री वाले भी ऑप्शन है, तो आपको फ्री वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फ्री वाले ऑप्शन के सामने आप देख सकते हो इस तरीके का एक ट्रायंगल जैसा लोगो आपको दिखेगा। बाकी ये वाला जो डायमंड वाला लोगो है ये सब पेड वाले इफेक्ट है, तो आपको इस ट्रायंगल वाले लोगो वाले जितने भी इफेक्ट देंगे उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला इफेक्ट है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये वाला इफेक्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। नीचे आप देख सकते हो एक फ्री टू यूज़ का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट टाइम आप फ्री टू यूज़ के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपके फेसबुक या जीमेल अकाउंट से कहीं से भी आप इसे लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से दो ऑप्शन आ जाएंगे, कैमरा या फिर चूज़ फ्रॉम एल्बम, मतलब आप डायरेक्ट खुद की सेल्फी भी निकाल सकते हो या फिर कोई आपके गैलरी में फ़ोटो रहेगा तो उसके ऊपर भी इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो चूज़ फ्रॉम एल्बम वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और गैलरी में से ये वाला जो फ़ोटो इसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी जैसे ये फ्री वर्जन है तो यहाँ पर आपको कुछ एड्स आएंगी तो उनको आपको वॉच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्री वाले ऑप्शन के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ एड्स आ सकती है, जैसे अभी आप राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे ऊपर देख सकते हो जितने सेकंड से उतने सेकंड यहाँ पर आपको ऐड वो देख लेनी है। उतने सेकंड हो जाने के बाद यहाँ पर अपने आप ये कट हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक कट का ऑप्शन आ चुका है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर ये जो आपका इफेक्ट है वो यहाँ पर अप्लाई होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो चेंजिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, अभी यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो आपका फिल्टर के साथ मतलब जो एक एनिम कैरेक्टर है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद नीचे आपको एक सेव का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर बंद कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर जो VN एप्लीकेशन है इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अभी नीचे आपको एक प्लस का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। ऊपर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर आपको एक फोटो और वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, तो फोटो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपने जो ओरिजिनल फोटो रहेगा उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो आपका एनिमेटेड मतलब जो AI इफेक्ट वाला जो फोटो रहेगा इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऊपर आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशो दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करके ले लेना है। ऊपर जो 9:16 लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये जो फर्स्ट फोटो आप नीचे देख रहे हो तो फर्स्ट फोटो के बार को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। इसके राइट हैंड साइड पे आपको एक एरो दिखेगा, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो आपको थोड़ा सा इस तरीके से इंक्रीज करके ले लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से इसका अराउंड आप देख सकते हो यहाँ पर 7.37 है, तो आप 8 सेकंड तक इसका ड्यूरेशन इस तरीके से आपको बढ़ा कर ले लेना है। इसके बाद आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पर आना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एक टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, म्यूजिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी जो ट्रेंड है इसके लिए बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो बैकग्राउंड ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इस ऑडियो को आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर आके इसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो एक चूज़ का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको नीचे एक म्यूज़िक बीट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अभी आपको एक बीट ऐड करनी है। तो बीट का जो टाइम है वो है 3.70, तो जहाँ पर मैं अभी कर्सर टैप कर रहा हूँ देख सकते हो यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा हुआ है, और जैसे इस ऑडियो के बार को मैं आगे करूँगा तो यहाँ पर टाइम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3.70 आने तक आपको इसे मूव करना है, और जिस पॉइंट पे 3.70 आ जाएगा उस पॉइंट पे आके रुक जाना है। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 3.70 आ चुका है, तो यहाँ पर आके नीचे आपको एक सेंटर में एक रेड कलर का सेंटर सर्कल दिखेगा जिसके अंदर एक फ्लैग का आइकॉन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक सिंगल टिक मार्क है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हो ये ऑडियो का आपका जो ब्लू कलर का बार है, ऑडियो का बार है, इसके अंदर आपको एक छोटी सी वर्टिकल लाइन शो हो जाएगी 3.70 पे, तो उस लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है।
फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से ऐसे। इसके बाद उसे बिना मूव किए नीचे जो फोटो का बार रहेगा उसे उस पॉइंट पर सिलेक्ट करना है और नीचे आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर फोटो के दो हिस्से हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड का जो फोटो है इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर जो सेकंड फोटो रहेगा तो सेकंड फोटो के बार को सिलेक्ट करना है और उसके एंड पॉइंट से इसे थोड़ा सा ड्रैग करना है। आपको देखना है ये जो ब्लू कलर के ऊपर की लाइन है वो कहाँ तक आ रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन एंड हो रही है, तो उस पॉइंट पे आपको कर्सर को इस व्हाइट वर्टिकल लाइन को इस तरीके से लेकर जाना है। फिर आपको नीचे जो फोटो का बार इसे सिलेक्ट करना है और वहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और राइट हैंड साइड का जो बचा हुआ हिस्सा है इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पर आना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो टैप टू ऐड स्टिकर PIP का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो ये वाली जो ग्रीन स्क्रीन है इसे आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये वाली ग्रीन स्क्रीन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड करके यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल आ जाएगा, तो अभी आपको सबसे पहले नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको ऊपर ऐसे ही रखना है, कुछ टच नहीं करना, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक फिल का ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ऐसे आपको बैकवर्ड मूव करना है और अभी यहाँ पर आपको एक क्रोमा का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर सिलेक्ट करना है और फिर एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो ग्रीन है वो गायब हो जाएगा। फिर ये आपका जो फर्स्ट फोटो है, फर्स्ट और सेकेंड फोटो के बीच में आप देख सकते हो एक छोटा सा प्लस का आइकॉन है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है प्लस के आइकॉन के ऊपर और यहाँ पर एक वाइट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है और नीचे सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बस इतना हो जाने के बाद अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देखोगे तो परफेक्टली आपका जो ट्रेंडिंग रील है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस रील को अगर आपको मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बना हुआ जो वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। यह 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, तो वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एजरली इंस्टाग्राम का रील सेक्शन पर अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।